अनिल घटनास्थल पर मौजूद है और उनके साथ चश्मदीद मौजूद है। जी अनिल जी, ये देखिए, ये पूरा घटनास्थल है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये घटनास्थल है इस समय यहाँ का, और यहाँ का आलम यह है कि पूरे टेंट और वो जो थे यहाँ पे, यहाँ से हटा दिए गए हैं लाइट। और ये देखिए, ये मेन गेट है इसका, जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेन गेट है, ये देखिए, ये मेन गेट है इसका। नारायण सरकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये सब यहाँ पर जो प्रवचन चल रहे थे, ये इसका मेन गेट है। और चश्मदीद है हमारे साथ कुछ, इधर आओ भैया, इधर आ जाओ, आप इधर आओ, सामने से देखा जी। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार। रंजीत, क्या घटना हुई थी यहाँ पर, क्या मामला था? मामला ये था सर, यहाँ से जो सागर बिसरी जाने के बाद अचानक से सारी पब्लिक निकली और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी, और सारी कुछ लोग दब गए उनके नीचे, कुछ लोग दबने की वजह से घायल हो गए, कुछ लोग वहीं पे मर गए। नहीं, आंकड़ा कुछ बताया जा रहा है, और जो यहां तक आप लोगों के पास सही हमें जानकारी मिल रही है कि मरने वालों का आंकड़ा कुछ ज्यादा है, कितने लोगों को यहां पर कैजुअल्टी हुई होगी? सर, मेरे सामने तो यहां पे 27 लोगों का मरने का आंकड़ा था, 27 लोगों का मेरे सामने। उसके बाद मैं चला गया अपनी फैमिली को लेकर घर पे। क्या वजह रही भगदड़ मचने की, वजह क्या रही, उसके पीछे क्या कारण रहे? भगदड़ ये मचा था सर, अचानक से सारे पब्लिक इस गेट से निकला था सड़क से, उस बार कुछ लोग रिपट गए एक दूसरे के ऊपर और अचानक से दब गए कुछ लोग। यहाँ पर ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था, क्या इसकी परमिशन थी, आप लोगों को जानकारी है? मेरे को जानकारी नहीं। किसके द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया था सर, ये जानकारी मेरे को नहीं है। कितने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उस समय जब इनका प्रवचन हो रहा था, सत्संग हो रहा था? यहाँ पे कम से कम 5 लाख से 10 लाख। चार जी, कम से कम 5 से 5.5 लाख के लमसम यहाँ पे काफी व्यक्ति लोग थे यहाँ सर। और 5 लाख तो जो जब ये बाबा, जब बाबा यहाँ से गए हैं 1.5 या 2 के बीच में जब यहाँ से गए हैं, तो श्रद्धालु लोग हैं जो बाबा के चरणों की धूल, जैसे कि बोलते हैं बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए, तो जैसे बाबा यहाँ से गए हैं, ये कट पड़े थे, कट है जो रोड का कट है, तो चरणों की धूल लेने के लिए एकदम जैसे कि नहरे हैं, तो झुकने के लिए कारण एक दूसरे पे पब्लिक एकदम चढ़ी है। तो उधर क्या था, पानी पीने का एक टैंक खड़ा हुआ था, वहाँ 2 टैंक खड़े हुए थे, तो वहाँ रपटन भी थी, और बारिश के कारण सर वहाँ पानी भी भरा हुआ था रोड के किनारे, जो नाली बनी हुई है उसमें, तो एक दूसरे पे सर वो जैसे एक का पैर पिछला है, तो एक दूसरे के पकड़ने के कारण एक दूसरा फिसलते ही गड्ढे में गिरते गए हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। ऐसे ही अचानक हम सर 400 से 500 के लोग लमसम वहाँ एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं मिट्टी में काफी, और ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे करीब, जैसे कि 1.5 से 2 साल के कुछ लड़कियां थी, कुछ बुजुर्ग थे, ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गए थे कम से कम 30 से 40 के लमसम। और बाकी की जो डेड बॉडी सर सिकंदर हुए हैं, कुछ पुलुआ थाने में है और कुछ एटा मेडिकल कॉलेज में कुछ पहुंचाई गई है। आपका कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ से ये जो महाराज हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रवचन दे रहे थे, जो यहाँ पे सत्संग कर रहे थे, उनके निकलने के बाद उनकी चरणों की धूल लेने के लिए लोग बाग झुके हैं? जी 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 जी, उसी कारण से ही मौत हुई है सर। क्या किन लोगों के द्वारा ये आयोजन कराया गया था? कमेटी अध्यक्ष हैं, जैसे कि बोर्ड पे ये देखो नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सर, जैसे कि वेद प्रकाश है, क्या नाम, मधुकर इंजीनियर हैं, ये सिकंदर राव से भी हैं, और क्या नाम, महेश चंद्र हैं, एक ये लेखराज हैं, ये भी सिकंदर राव से हैं, और ये अनार सिंह हैं, ये भी सिकंदर राव, संजू यादव ये भी सिकंदर राव से, और चंद्रदेव सिंह ये भी सिकंदर राव से हैं, राम प्रकाश है ये भी अध्यापक, ये भी सिकंदर राव से ही हैं, ये कमेटी अध्यक्ष। ये मौके पे ये लोग रुके नहीं, ये लोग कहाँ चले गए उस समय जब ये घटना हुई थी? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये यहाँ मौके पे रहते सर? जिम्मेदारी ये बनती है अगर ये इसके कारण ये क्या नाम है कमेटी जो अध्यक्ष थे यहाँ से, जैसे ये हादसा हुआ तो इन लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग यहाँ पकड़े जाएंगे, इस कारण यहाँ से ये लोग सागर भाग चुके हैं। और जो तो पब्लिक थी उनमें भगदड़ मची है, कोई किसी का बच्चा गुम हो गया है, कोई कुछ दब गया है, और कुछ लोग व्यक्ति रह गए। तो हमारे सहयोगी जो चश्मदीद से वहां पर बात कर रहे हैं घटनास्थल पर, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब जब ये बाबा भोले बाबा सत्संग करने के बाद निकले तो वहां जो श्रद्धालु मौजूद थे वो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए कुछ लोग झुके थे और इस वजह से भी ये हादसा हो गया, लोग गिरे और दबते चले गए। अच्छा, कुछ बता रहे हैं कि पानी के लिए जो टैंकर वहां पर खड़े हुए थे उन टैंकर्स के नजदीक बारिश भी हुई थी और उन टैंकर्स के नजदीक पानी गिरा हुआ था, इस वजह से फिसलन भी थी और वहां पर लोग जो है वो चलते चले गए और देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गया। ये खबर जैसे ही फैली तो भगदड़ सी बच गई और फिर जब भगदड़ हुई उसके बाद तो ये हादसा ऐसा हृदय विदारक हो चुका है कि अब तक करीब 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा सकता है, आशंका जताई जा रही है।